कराची में लोगों के भत्ते के पैसे, खून पसीनों के पैसों से मनी लॉन्ड्रिंग करके वो चोर लुटेरा यहाँ पे वो पैसे लेकर आया। मैं अब उम्मीद करता हूँ कि चेयरमैन नैब अपनी आंखें खोलें और इस चोर से पूछें, इसकी रसीदें लें। और मैं फैसल वाडा को ये भी चैलेंज करता हूँ कि उसको लंदन के कानून का पता है कि आए मुझे सू करे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये एक चोर, ये डाकू, ये पाकिस्तान के पैसे लूटने वाले, कराची को अंधेरों में डुबोने वाले, आज शहनशाहों की जिंदगी गुजारने और पाकिस्तान में इंसाफ की बातें करने। तो ये है फैसल वाडा का 4 मिलियन पाउंड का, एक गरीब मुल्क से जिसका वो वजीर बना है, एक नए पाकिस्तान का जिसका वो वजीर है, जिसका सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं लूट मार का पैसा वापस लाऊंगा। भाई लेकर आओ लूट मार का पैसा। ये 4 मिलियन पाउंड की एक प्रॉपर्टी, 7 और प्रॉपर्टियां जो उसने डिक्लेयर नहीं की। इसकी बेटी भी यहाँ पे रहती है और ये मैं समझता हूँ कि ये जवाबदेह है कौम को और ये कौम के पैसे बताए, इसकी पर्चियां दिखाए फैसल वाडा के पैसे कैसे लेकर आया, किस तरह उसने ये जायदादें खरीदी। एक मोटरसाइकिल पे चलने वाला शख्स, एक चलतल में चाटने वाला शख्स जो सड़कों पे धक्के खाता था, चंद सालों में वो पाकिस्तान में अरबपति कैसे बना रातों रात, कैसे उसके पास ऐसे पैसे आए। मैं चेयरमैन नैब को कहूंगा कि अपने आंखों से पर्दा उठाए और इन चोरों से पैसा ले, फिर पता चलेगा कि इंसाफ हो रहा है, फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान, नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा रही है। इमरान खान, अगर पैसे लाने हैं तो फैसल वाडा से शुरू करो। ये किस नंबर एक है, अभी 7 इसकी और प्रॉपर्टी है, अलीमा खान की प्रॉपर्टी है, अलीम खान की प्रॉपर्टी है और जहांगीर तरीन की प्रॉपर्टी है। सबको नंगा करूंगा बारी बारी। ये मेरी अभी इब्तदाए इश्क है, आगे आगे देखिए होता क्या। मेरे प्यारे हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम।